हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तरीके से बनने वाला गाजर का गजरेला जो खाने में तो बहुत अच्छा लगता ही है और साथ में इसको बनाना भी बहुत आसान है गाजर का हलवा तो हम अधिकतर बनाते हैं और पूरी सर्दियों में तो बहुत बार आप लोग भी बना चुके होंगे तो सोचा कि क्यों ना आज कुछ अलग बनाया जाए और आज टाइम भी थोड़ा कम था तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है इसीलिए सोचा कि इसी को बनाया जाए और इसको खा करके सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने आज सबसे पहले ले लिए हैं गाजर तो देखिए इस तरीके से मैंने एक किलो गाजर लिए हैं तो अगर आप पीस के हिसाब से देखें तो ये सात से आठ गाजर है तो मैंने इसको अच्छी तरीके से दोनों सिरे काट लिए हैं और उसके बाद मैं इसको छील लूँगी तो इसी तरीके से आप इसको हल्का हल्का भी छील सकते हैं लेकिन मेरे पास ये पटेटो चॉपर है तो मैं इसी से इसको छील लूँगी इससे क्या होता है कि बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी छिल जाता है तो सारी गाजर को मैंने छील करके और धो लिया है आप गाजर को कम से कम दो या तीन पानी से धोए क्योंकि इसमें बहुत बार मिट्टी होती है तो जिसके कारण हमारा गाजर का हलवा या जो भी आप चीज़ बना रहे हैं गाजर से रेसिपी वो बहुत किरकिरी हो जाती है तो आप गाजर को धोने में जल्दीबाजी नहीं करें और कम से कम इसे दो तीन पानी से धोएं और उसके बाद मैंने सारी गाजर को कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है और साथ ही में ले लिया है मैंने करीबन ये आधी कटोरी चावल लिए हैं जिसको मैंने दो घंटे पहले पानी में भिगो दिया था अगर आप भिगोना भूल गए हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी धो करके और ग्राइंडर में डाल करके पीस सकते हैं तो लेकिन मैंने इसको पहले भिगो दिया था तो इसलिए ये अच्छी तरीके से फूल गए हैं और उसके बाद मैं इसमें आधा एक कटोरी दूध डालूंगी और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला करके और इसको हमको पीस लेना है तो देखिए अब ये पीस करके हो गया है रेडी तो मैंने इसको हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लिया है यानी कि थोड़ा दरदरा सा ही आपको इसको पीसना है चावल अगर पहले से फूला हुआ रहेगा तो ये बहुत अच्छी तरीके से पीस जाएगा अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है कुकर तो आज हम इस रेसिपी को कुकर के अंदर बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है एक चम्मच देसी घी लिया है और घी जब अच्छी तरीके से मेल्ट होने लग जाए तो उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं थोड़े से ग्रेट किए हुए बादाम डाले हैं और बादाम को अच्छी तरीके से चला लेना है और साथ ही में मैं इसके अंदर डालूंगी काजू डालूंगी आप ऑप्शनल है अगर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो डाल सकते हैं लेकिन मुझे तो काजू और बादाम ज़्यादा पसंद है तो मैंने उनको घी के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और साथ ही में मैंने ग्रेट करी हुई गाजर इसके अंदर डाल दी है तो ग्रेट करी हुई गाजर का कलर देखिए कितना अच्छा है तो आप कोशिश करें कि आप फ्रेश गाजर ही लें तो उसका मीठापन बहुत ही अच्छा रहता है और साथ में उसका कलर भी बहुत अच्छा है अब हम क्या करेंगे कि इसको चार से पाँच मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे तो अब मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन चार से पाँच मिनट हो गए हैं और उसके बाद अब हमने जो चावल पीसा था वो पिसा हुआ चावल इसके अंदर डाल देंगे तो चावल इसके अंदर डाल देने के बाद इसको वापस से हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यानी कि फिर से हम तीन से चार मिनट के लिए इसको चला लेंगे कि चावल इसके अंदर मिक्स हो जाए और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है करीबन 250 सौ पचास एम एल दूध डाला है यानी कि पाव भर दूध डाल दिया है दूध डालना कंपलसरी है क्योंकि दूध डालने के साथ ही ये अच्छी तरीके से पकेगा आप इसमें बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें अगर हम पानी ऐड कर दें तो नहीं पानी आपको नहीं डालना है आपको इसके अंदर दूध ही डालना है तो मैंने इसमें करीबन दो सौ दूध डाल दिया है और उसके बाद अब हम लगा देंगे कुकर में ढक्कन और उसके बाद अब हम सीटी आने का इंतज़ार करेंगे तो दो से तीन सीटी आपको इसके अंदर लगानी है कम से कम मिनिमम आप दो सीटी तो लगाए हैं और उसके बाद जब ये ठंडा हो गया तो अब हम देखेंगे कि ये अच्छी तरीके से पका है या नहीं दो सीटी लग जाने के बाद तो ये बहुत आराम से पक जाएगा तो देखिए इस तरीके से अब मैं चेक करूँगी और अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसके अंदर और दूध मिला सकते हैं तो ये थोड़ा सा गाढ़ा था तो मैंने इसके अंदर आधा ग्लास दूध और डाला है दूध डाल देने से क्या होगा कि देखिए इस तरीके से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद मैंने इसको चढ़ा दिया है वापस गैस के ऊपर और मैं इसके अंदर डालूंगी मैंने इसके अंदर आधी कटोरी चीनी डाली है गाजर का हलवा गाजर का ये गजरेला है तो उससे क्या होगा कि गाजर डालने से ये अच्छी तरीके से मीठा रहेगा तो फिर भी हम इसके अंदर ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे मैंने आधा चम्मच ही कटोरी चीनी डाली है और साथ ही में मैंने इसमें तीन से चार चम्मच मिल्क पाउडर डाला है मिल्क पाउडर पूरी तरीके से ऑप्शनल है अगर आपके पास खोआ अवेलेबल है तो आप खोआ डाल सकते हैं यानी कि मावा लेकिन मेरे पास खोआ नहीं था तो इसलिए मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है और साथ ही में मैंने इसके अंदर डाल दिया है पिसी हुई मैंने इलायची पाउडर डाला है इलायची पाउडर आप फ्रेश ही पीस करके डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी रहेगी और देखिए इस तरीके से अब इसको हमको बहुत अच्छी तरीके से चार से पाँच मिनट तक चला लेना है जब इसमें बबल्स आने बंद हो जाए तो समझिए कि ये पक कर के हो गया है तैयार और इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है एक पैन में खाली आप एक बार इसको जरूर बनाएं और अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हो तो गाजर का हलवा तो आपने हमेशा बनाते होंगे या उन्होंने बहुत बार खाया होगा लेकिन अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और चावल डालने से तो इसका टेस्ट और भी निखर करके आता है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और आ, मिलते हैं हम नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में तो टेक केयर बाय